नहीं सटेगा, नहीं सटेगा। फिर यही बात हल्ला नहीं कर भाई, माइक पकड़िए। कैसे की तबीयत कैसी है? अरे माइक पकड़िए विजय भैया। हल्ला विजय, चलिए हाँ ठीक। सब लोग जानते हैं कि शिकायत मिलने पे जी सांस लेने में जो कठिनाई आ रही है, जब दम शिवम ठीक है ना, विशेष अनुमति लेकर के रांची गए थे और उनकी जो शिकायत थी खास तौर पे निमोनिया डिटेक्ट हुआ शिकायत होने के बाद। अमीर लंग्स में जो है वो पानी नीचे करो ना, नीचे कीजिए। और किडनी जो है मात्र 25% ही काम कर रहा था और पहले से हार्ट के पेशेंट रहे हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद जो है जो रिपोर्ट उतना सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट नहीं आया था, इसलिए वहाँ के रिम्स के डॉक्टरों ने लाइट बंद कर दिया, दिल्ली की ये जो है रिकमेंडेशन दिया गया क्योंकि किडनी विडनी के जो है इलाज वगैरह वहाँ स्पष्ट रूप से हो नहीं पाता, जो बेहतर इलाज एम्स दिल्ली में होता है। जैसे मास्क हटा लीजिए ना, आवाज़ कम आ रहा। अभी जो है पूरी तरीके से जांच जो है वो चल रही है और जांच के बाद जो मेडिकेशन होता है डॉक्टर वगैरह वो देने का काम कर रहे हैं। अभी स्थिति जो है कुछ दिनों बाद ही बेहतर पता चल पाएगा क्योंकि दवा का असर जो है वो कुछ दिन बाद दिखता है, लेकिन ये कि उम्र होने के बाद एक जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है ये तो रहेगा ही क्योंकि हार्ट के पेशेंट रहे हैं, किडनी का फंक्शन है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या आए बॉडी में उसको प्रिवेंट किया। तो अभी ये हम लोग सब लोग जो है आनंद फानंद में फिर हम लोग एम्बुलेंस राज्य सरकार ने देखिए लगातार कई महीनों से किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है, किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है। सरकार के लोगों से लगातार वार्ता चल रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एक तरीके से साफ तौर पे ये दर्शाता है कि सरकार जो है अपनी बातें थोपना चाहती है उन किसानों पर जो देश को अन्न देने का काम करता है, जो अन्नदाता है। अगर किसान नहीं चाहते हैं वो कानून तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक वॉयलेंस की बात है, आपने भी देखा होगा इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं भी आपको खबरें नहीं है। लगभग 100 से ज़्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए, नीचे करो। लेकिन सरकार द्वारा एक ट्वीट भी नहीं किया गया और लगातार आप देखिएगा चाहे CEO हो NRC हो इस तरह का कानून थोपा जा रहा है। लेकिन जो घटना हुई लाल किले पे अगर हम कहें तो सारा देश जानता है कि लाल किला पे झंडा जिसने फहराया उसके ताल्लुकात किससे, तो हमको इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना। कई किसान संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है और ये कैसे हुआ क्यों हुआ ये जांच का विषय है। आश्चर्य है ना कि जो CA NRC में जो गोली चलाता है वो नहीं पकड़ा जाता है, अब तक जिसने फहराया वो क्यों नहीं पकड़ा गया, सवाल तो बनता है। वहाँ से किस हालात में वो भागा, क्यों भागा, ये सारे सवाल जो है ये खड़ा करता है। लेकिन आंदोलन को शुरुआती दिन से ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसका जो है निर्णय होना चाहिए। आने वाले 30 तारीख को भी हम लोग जो है महागठबंधन के साथ मानव श्रृंखला हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं और आप जानते हैं बिहार के किसानों की क्या हालत है, इस पे हम लोग विस्तार से कल नहीं सरकारी नौकरी सरकारी 50 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनकी कार्य क्षमता देखी जाएगी और उन्हें भी हटाया जाएगा, बढ़िया रिटायर किया जाएगा बिहार में। चुनाव के समय हमने कहा था जो भी सरकारी कर्मचारी है या पुलिस कर्मचारी उनको जबरन जो है रिटायर करने का 50 साल के बाद जो है रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे चुनाव में भी हमने कमिट किया था अगर हमारी सरकार बनती है तो इनकी जो
उम्र जो है जो रिटायरमेंट का जो अभी फिलहाल जो कानून है वही रहेगा, लेकिन सरकार तुम हाथ नीचे कीजिए ना, वो 50 साल वाले जो रिटायर्ड होंगे कीजिए ना, लोगों के बच्चे क्या है, रोजगार मिला है क्या, वो तो बेरोजगार, बाप भी अब बेरोजगार हो जाएगा, बेटा भी। इस फरमान को कैसे देखते हैं, फरमान कैसा।